Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear friends, you know that it is winter in Jammu and Kashmir. So, let us learn some sentences about this winter. Dear friends, in winter it is often broody. This means, na hi bahar dhoop hoti hai aur na hi bahar barf ya barish hoti hai. Hum yun keh sakte hain, bahar sirif abar alood hota hai. So if we have to say कि बाहर बहुत ज़्यादा अबर आलूद है, we can say that it is broody outside. Similarly, यूँ होता है कि बाहर बर्फ गिरती है, we can say that it is snowing outside. अगर बाहर हल्की सी बारिश होगी and we have to say it in English, we can say that it is drizzling outside. अगर बाहर तेज या जोरदार बारिश होगी, we can say it is raining heavily. We also say that it is raining buckets outside. We can also use a sentence for it that it is raining cats and dogs. हम विंटर में देखते हैं अक्सर कि हमारे नल जो है वो जम जाते हैं. If we have to say it in English, then we can say that the taps are frozen. इसी तरह से अगर दरिया हैं, लेक्स हैं, अगर वो भी जम जाएंगे, and we have to say it in English, then we can use that the rivers and lakes are frozen. अगर बाहर बारिश शुरू होगी, and we have to say it in English, then we can say that it started to rain outside, or we can say simply that it started to rain. डियर फ्रेंड्स, sometimes यू होता है कि कभी कभार बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती है. एंड वी वॉन्ट टू से इट इन इंग्लिश, देन वी कैन से दैट देर इज नो लेट अप इन द रेन. डियर फ्रेंड्स, इस विंटर में अक्सर हवा की सर्द लहरें चलती है. एंड इफ यू हैव टू से दिस इन इंग्लिश, वी कैन से दैट चिल्ली गस्ट्स ऑफ विंड्स आर ब्लोविंग. हम यू भी देखते हैं कि इस सर्दी में हम अक्सर इस सर्दी की वजह से थरथराते हैं, कांपते हैं. और अगर हमें यही कुछ इंग्लिश में कहना होगा, वी कैन से दैट इट इज शिवरिंग कोल्ड और इट इज ट्रम्बलिंग कोल्ड. आपने अक्सर देखा होगा कोई कहता है कि मौसम बड़ा बेरहम है. ये वर्ड बेरहम जो है, वी कैन यूज इन क्लेमेंट वेदर, चाहे ज्यादा सर्दी हो या ज्यादा गर्मी हो. वी कैन यूज The weather is inclement. Winter में बर्फ का जम जाना, winter में पानी का जम जाना आम होता है. तो अगर सड़क पर ये पानी या बर्फ जम जाती है तो गाड़ियां जो है वो फिसल जाती हैं. Especially जो छोटी गाड़ी होती है, जिनको हम इंग्लिश में कैब्स कहते हैं, तो वो अक्सर फिसल जाती है. And if we have to say this in English, we can say that the cab skidded. Or we can say the cab skidded off the road. गाड़ी रोड से फिसल गई. अक्सर आजकल prediction के बारे में कहा जाता है कि prediction है, कल बारिश है, कल धूप है. If you have to say something about the prediction, you can use a sentence like this, that it is predicted to snow from 6th of January. आखिर में यूं ही कहेंगे कि इस winter में अक्सर बिजली की कमी हो जाती है और बिजली अक्सर आती जाती है. एंड इफ यू हैव टू से दिस इन इंग्लिश, यू कैन से दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज प्लेइंग हाइड एंड सीक नाउडेज. डियर फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, इफ यू हैव सम सेंटेंसेस रिगार्डिंग दिस विंटर टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन ट्रांसलेट दीज थिंग्स और दीज सेंटेंसेज फॉर यू पीपल. डियर फ्रेंड्स, kindly subscribe and like my channel if you haven't yet. Thanks.